नाउ लाइव गलती से क्लिक हो गया था यार, हाथ होती है जुगाड़ मशीन पे रख दिया, ले आना ओके रिपोर्ट, वहां से मेरे को भेज देना जरा रिक्वेस्ट, अंदर है फोन। हाय फैमिली, कुमार साहब 90 कैसे हो आप? हाय देवरतन शर्मा ब्रो कैसे हो आप? बिग फैन ऑफ यू अभिजीत, थैंक यू। अंकिता कैसे हो आप? यार सॉरी यार थोड़ा सा डिले हो गई पहले, तो आप वहाँ से ना अंदर चले जाओ, आप मेरी आवाज़ रिपीट हो गई, बार बार गलतियाँ दोहराते रहते हो। यार तुम दोनों चले जाओ जाओ यार, 8 बजे की टाइमिंग थी, थोड़ा सा डिले हो गई, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी आप लोगों से। असलम कैसे हो आप? सो क्यूट सिस्टर, थैंक यू सो मच। वो भेजेगा वहां से मेरे को, हद होती यार, तेरे को शर्म नहीं आती यार एरिक? मैं सच्ची बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे, तेरी बेइज्जती कर दूंगी यार। एरिक को समझाया करो, जरा स्टोरी टैग किया करो, मेरा एक भी कहना नहीं मानता ये लड़का। रहीर साहब कैसे हो? पता है आपको मैंने कैसे मैनेज किया? यहाँ पे मैंने जहाँ पे फोन रखा है वो पता है कहाँ रखा है? जिसमें हम कपड़े धोते हैं ना मशीन, वहाँ पे। कितना ज़्यादा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ मैं जिंदगी में, बस मैं ही जानती हूँ, मेरा दिल जानता है। हाय मैम आई एम बिग फैन, थैंक यू। यश भाई कहाँ है बोलो ना? यश तभी बात हुई थी, सो सेक्सी, थैंक यू। यार गाइज मैं ना ज़रा यहाँ से ना एक पेज कनेक्ट कर रही हूँ, जो कि है रेड जवन टीम, जो एरिक और दीपक वो करेंगे, क्या कहते हैं, ऑप्शन नहीं आया मेरे पास यार। भाई नहीं आ रहा मेरे पास, पहले सभी लोग आ जाओ, बहुत सारी बातें करनी है आज, तो आज पूरी रात आप लोगों से बातें करेंगे हम लोग, इतने ज्यादा वेल ले है। भेजा हाँ आओ, इमरान 1973 कैसे हो आप भाईजान, कैसे हो? या हाँ रेड जमन टीम, फर्स्ट वन एक्सेप्ट करो। मयंक कैसे हो? शुभम हाय, आर यू क्राइंग? अरे नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी आंखें थोड़ी सी छोटी है। हाय ब्रो हाय कैसे हो? बढ़िया, ऑल गुड, व्हाट अबाउट यू? सो फाइनली गुड ब्रो, कैसे हो आप? बढ़िया जबरदस्त, आप बताइए। शर्मा क्यों रहे हो? शर्मा मेरा भाई आईफोन चला रहा है, हम एंड्रॉइड में लाइव आए और तुम आईफोन चला रहे हो, क्या बात है? हाँ एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में। हाँ जी तो गाइस जुड़े हुए अपने से 2687 मुझे भी, अरे सबको एक एक करके ना ऐड करना मेरे को यार, बहुत दिनों से मैंने बात नहीं किया है। बिल्कुल यार, काफी टाइम बता रहे हैं लाइव, बहुत तो गाइज बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, बता नहीं सकती मैं आपको कि क्या क्या बातें करनी है। मतलब मेन चीज ये है यार, आप लोग मतलब मेरे को छोटी सी कंप्लेन है आप लोगों से, मेरे को ये समझ भी नहीं आ रहा यार कि आप लोगों ने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया या नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किया है तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है, आप देख नहीं रहे हो, क्या सीन चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सीरियसली मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही हूँ कि मतलब एक्सपेक्टेड व्यूज नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी यार, समझ रहे हो?
हमारे साथ जुड़े यार 20 लाख प्लस लोग हैं, और 20 लाख प्लस लोग में से मतलब 2 लाख भी लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे? या तो फिर थोड़ा ये सिस्टम हैंग चल रहा है यूट्यूब का, ठीक है, या फिर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कुछ कहीं ना कहीं तो कमी आ रही है। पर मुझे पता है कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आ रही है। अब कमी कहाँ से आ रही है ये समझ में नहीं आ रहा। तो यार मेरे को ना अभी के टाइम में ना सीरियसली आप लोगों का ना बहुत ही ज्यादा सपोर्ट चाहिए यार, क्योंकि ना हम लोग सिर्फ मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाते हैं कि हम लोग आप लोग हमारी वीडियोस देखते हो, हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर वीडियोस पे एक्सपेक्टेड व्यूज नहीं आएंगे तो समझ लो ना मन ही नहीं करेगा यार काम करने का। तो आप लोग ही हो जो कुछ कर सकते हो अभी। अभी तो मतलब व्यूज अगर बिल्कुल आप थोड़े आज थोड़े से मतलब मेरी थोड़े थोड़े डाउन है, बहुत डाउन है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अगर फर्क आप पड़ा आज मेरे बहुत। से बात नहीं की तो मैं अंकिता चौधरी बोल रहे हैं, अगर आज आप मेरे से बात नहीं किया तो मैं आपका वीडियो नहीं देखूंगा। यार मैंने तो कोई गलती भी नहीं करी, क्यों नहीं देखोगे वीडियो? चलो ऑफिशियल सुकेश, हेलो रिट्स मैम, हाय ब्रो, कैसे हो आप? हमें भी ऐड करो यार भाई जल्दी, सबको एक एक करके ऐड करूंगी मैं। रिकमेंडिंग क्या कह रहे हैं, रिकमेंड में आ रही है बस। बट व्यूज फिर भी डाउन क्यों चल रहा है? रिकमेंड अगर कर रही है तो यूट्यूब पर वीडियो, तो व्यूज अभी क्यों कर यहाँ रहा पे है डाउन? किसी ने किसी का नाम लिया कि उसकी वजह से वीडियो आ रही है, पता नहीं व्यूज डाउन है। यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? या तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि नोटिफिकेशन बेल आपने प्रेस नहीं किया है, इसकी वजह से नोटिफिकेशन नहीं आ रही आप लोगों को, ठीक है। और दूसरा यही है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो शायद इसलिए। और आपको पता है यार कुछ भी काम कर लो दुनिया में, चाहे कोई भी काम हो, उसके लिए ना एक इंसान को यार मतलब हिम्मत की और मोटिवेशन की जरूरत होती है। और मोटिवेशन सिर्फ इसी वजह से मिलता है हम लोगों को कि आप हमारी वीडियो देखते हो तो हम सोचते हैं कि आप कुछ और नया अच्छा लेके आए। बिल्कुल, मतलब लोगों ने आई थिंक शेयरिंग थोड़ा सा फर्क पड़ा है, शेयरिंग करना आई थिंक थोड़ा कम हो गया लोगों का, उनका मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है? कंटेंट में दिक्कत लग रही है आपको, या फिर मेरे कंसेप्ट आपको पसंद नहीं आ रहे? या फिर मैं तो बल्कि हमेशा ना भाई हमेशा बोलती हूँ, मैं वीडियो के बाद जब एंड हो जाता है शाउट आउट देती हूँ कि यार अगर ना आप मतलब मेरे को आइडियाज देना चाहते हो प्रैंक के, तो मेरे को प्रैंक के आइडियाज दो और मेरे को ना मैसेज करो DM, ठीक है, मेरे अकाउंट पे जाके। तो आप खुद मेरे को बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो कि आपको किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है, फनी वीडियोस, सोशल एक्सपेरिमेंट्स। आप मेरे को आइडियाज, यहाँ तक कि आप मुझे कंटेंट भी दे सकते हो कि मुझे कैसी वीडियोस बनानी चाहिए, ठीक है। आप लोगों की मेरे को नहीं मिल रही है सलाह, ठीक है, कमी ये भी हो सकती है। तो यही छोटी सी कंप्लेन है। ए 143 कंचन मैम रिप्लाई दे दो, कैसे हो आप? आप अब ऐसी शक्ल मत बनाइए मैडम, मुझे हंसी आ रही है आपकी शक्ल देखकर, इतने गोरे गोरे, मतलब मैं तो, मैंने तो कोई भी मेकअप वगैरह, मैं क्रीम वगैरह तो मैं पता लगा। बेटा बात पता क्या है कि तू अंदर वाले रूम में है तो अंदर लाइटिंग थोड़ी सी कम है और यहाँ पे लाइटिंग ज्यादा है, ठीक हाँ, उसका फर्क तो है। पड़ता है। तो यही दिक्कत है। बट तुम वैसे भी नेचुरल बहुत गोरे हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी अरे है। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। उदय बोल रहे हैं, रिट्स मुझे आपसे एक बात पूछनी है। यार आप मुझसे 10 और 100 सवाल जवाब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आज मैं पूरा पूरी रात वेल ले आज मैं। जुकाम हो गया मैडम आपको? नहीं कोल्ड तो नहीं हुआ, बस थोड़ी सी मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो उसके वजह से आपको आवाज ऐसी लग रही होगी मेरी। आई थिंक मौसम भी ऐसा चल रहा है ना, सबकी बात है, इस मौसम में कल हाँ फोन। ये ना मौसम ठंडा मीठा चल रहा है तो लोग सोचते हैं कि गर्मी आ रही है तो फैन ऑन करके सो जाते हैं रात को, और फिर सुबह हालत खराब हो जाती है। अच्छा ये रुपेश बोल रहे हैं, आपके ऊपर कोई कोई गलत भी बोल रहे हैं यूट्यूब में, वो भी सच में आपको डाउन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं सच में डियर रेट्स? देखो मैं तो सीरियसली यार किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहे, जिसको जैसा अच्छा लगता है ना, जिसको जैसी खुशी मिलती है दिल से वो काम करे, चाहे वो हमारा नाम यूज करे चाहे कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसा करना है वो करे यार। हाय रेट्स, यू आर ऑसम सिस्टर, आई लव योर वीडियोस, थैंक यू। 1429 पीपल जो हमको देख रहे हैं फिलहाल अभी, तो ये दिल से प्यार करने वाले लोग हैं, मतलब दिल से है ना, ऑलमोस्ट तो वैसे, बिल्कुल यार, लेकिन लाइव पर 1415 पहले ज्यादा थे, थोड़े कम हो गए।
वीआईपी विकास 626389 मेरा नाम ले लो, कैसे हो वीआईपी विकास 626389। दी आपकी सारी वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू रूबी मेकओवर 96। TW.5559 बोल रहे हैं आई एम योर बिग फैन, आप फैन फैन नहीं हो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, फैमिली मेंबर हो ठीक है, तो फैन मत बोला करो। रिट्स मैम आपके ऊपर गलत गलत भी बोल रहे हैं बहुत ज्यादा आपको यूट्यूब डाउन करने के लिए, सच में इसमें जरा तुम देख लेना रिट्स मैम ओके। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बारे में चाहे कोई कितना भी गंद से गंद अनाप से शनाप कुछ भी बोले यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ये पता है अगर मेरे लिए कोई गलत बोल रहा है ना तो वो खुद के लिए कर रहा है जो कर रहा है ठीक है, ऊपर वाला सब देखता है, करनी भरनी सब यही है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है ये सच है हकीकत है। अच्छा मीना अंडरस्कोर 1280 बोल रहा है जीएफ ने धोखा दिया क्या करना चाहिए रिट्स मैम, अगर गर्लफ्रेंड ने आपको सब अब ये सब कान खोल के सुनने वाले हैं कि रिट्स क्या बोलने वाली है, तो यार गर्लफ्रेंड ने अगर धोखा दिया है ना तो बेस्ट रिप्लाई बेस्ट रिएक्शन इज नो रिएक्शन, उसको कुछ मत बोलो, चुपचाप उसके रास्ते से पीछे हो जाओ ठीक है, मतलब मूव ऑन कर लो यार जिंदगी में ना, कुछ नहीं रखा रिवेंज लेना बदला लेना, मैं इसको सबक सिखाऊंगा मैं इसको सबक सिखाऊंगी, इन सब में कुछ आना जाना नहीं है ठीक है। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया आप आपको सामने वाले ने चीट किया ना तो छोड़ दो उसको उसके हाल पे, एक ना एक दिन उसको यार जरूर रिग्रेट होगा, और ये सच्चा है होता है पछतावा ठीक है, तो मूव ऑन करो यार वही बेस्ट ऑप्शन है। सही है गाइस, बट नमारे मेरे साथ तो कभी ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, तो यार कभी दिल पर दुखा ही नहीं, कभी अरे दिल पर आते हैं क्योंकि मैं तो कभी सीन चाहती हूँ मेरा भाई ऐसे लड़कीबाजी के चक्कर में ना पड़े सच में, और ना ही यहाँ पे जितने लोग मुझे लड़के देख रहे हैं कोई लड़की के चक्कर में पड़े यार, दिखाई दोस्ती नहीं कर बढ़िया चलती है। ये, कभी कभी आना ही नहीं है, किसी साथ फीलिंग अटैच करनी ही नहीं है ना। अच्छा है, बिल्कुल ब्रो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अपने बिल्कुल फोकस करें है ना, और जब आपकी एज हो जाए, जब आप कुछ बन जाए, तब आप शादी का सोच लीजिए डायरेक्ट, उससे अच्छी फीलिंग और कुछ नहीं हो सकता। आपका करियर सेट हो और देन आप इस चीज के लिए जा रहे हो। बिल्कुल यार, कुछ करोगे जिंदगी में मम्मी पापा भी बोलेंगे, आज के टाइम में पक्का जितने लोग देख रहे होगे या उनमें से 2-4% लोगों को लोग मम्मी पापा करते होगे बोलते होगे ताने देते होगे कि यार तू कुछ नहीं कर सकता तो कुछ नहीं कर सकती, तो यार सबसे पहले ना उनका मुंह बंद करो कि हाँ तुम बोलते थे ना हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनको करके दिखाओ, सबसे ज्यादा खुशी उनको मिलेगी। और उनकी बातों को ना दिल पे मत लेना कभी भी कि यार मम्मी पापा ही होते हैं डिमोटिवेट करने वाले, बार बार ऐसे बोलने वाले कि कुछ नहीं कर सकते, यार सीरियसली वो इसलिए बोलते हैं ताकि एक ना एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जिस दिन हमारे बेटे को या हमारी बेटी के दिल पे जाके ना वो चीज इतनी ज्यादा लग जाएगी और वो जिंदगी में कुछ कर जाएगी या कर जाएगा ठीक है, तो बढ़ो आगे जिंदगी में। बाकी आपको पता ही है यार मैं हर वीडियो में एक सोशल मैसेज देती हूँ आप लोगों को, हर वीडियो में मेरा हर एक वीडियो बनाने का मेन मकसद यही होता है कि उसमें ना सामने वाला जितने भी लोग देख रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन जितने भी देख रहे हैं ना उनको ना मतलब समझ रहे हो एक ना सीख मिलती है कि वो कभी जिंदगी में धोखा ना खाए, चाहे वो ट्रस्ट इश्यूज हो चाहे कुछ भी हो। हर्ष यश भैया ने आपको धोखा दिया, अरे यार भाईजान आपको पहले बताया यश मेरा अच्छा दोस्त था दोस्त है और हमेशा रहेगा, और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाई थी यश के साथ, और यश ने भी अपने चैनल पे वीडियो सेम पोस्ट की थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, सब कुछ सॉर्टेड है, थोड़ा सा बहस हो गई थी हमारी, थोड़ी सी लड़ाई छोटी मोटी हो जाती है यार दोस्ती में, कोई हम लोग भी कोई भगवान नहीं है ठीक है, तो छोटी मोटी बहस हो गई थी, अब सॉर्टेड है मामला, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, अभी बात भी हुई थी मेरी थोड़ी देर पहले उनसे। यश भाई को लाइक करते हो या नहीं, हाँ यश को मैं लाइक करती हूँ क्यों नहीं करती, दोस्त है मेरा अच्छा और हमेशा रहेगा, और दोस्त ही दोस्त को पसंद नहीं करेगा तो कौन करेगा बताओ, इवन जो मेरा भाई अभी लाइव पे है ना दीपक ये भी मेरा दोस्त है, भाई से बढ़कर ज्यादा दोस्त है, तो हमेशा फ्रेंडली अरे रहो फिर मम्मी पापा के साथ भी भाई बहनों के साथ भी। जो हमारे पापा है ना, हमें पता क्या कहते हैं, बेटे से पहले वो कहते हैं आप हमारे अच्छे एक दोस्त हो, तो एक दोस्ती का रिश्ता पहले होता है और उसके बाद बाप और बेटे का रिश्ता होता है। किसी के साथ भी आप उसको कर सकते हो कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट दोस्ती का रिश्ता तो दोस्ती भर ही रहता है ना।
दोस्ती तो दोस्ती रहती है। बिल्कुल, अब मेरा भाई मेरा दोस्त बन के रहता है। अब वैसे तो ये मेरे को चाहे घर पे मारता पीटता हो, हमारी लड़ाई होती थी, हम लोग वाइपर से एक दूसरे के सर भी फोड़ते थे, जो कि हर घर में होता है, भाई बहनों के बीच होता है। लेकिन जब मेच्योरिटी आई ना, तब समझ में आया कि यार दोस्ती में रहना बहुत बड़ी चीज है, और भाई को भी दोस्त बना के रखो, ताकि आप ना कभी उससे कुछ छुपाओ मत और हर चीज उससे शेयर करो। अच्छा लगता है यार। आई थिंक लड़ाइयाँ तो हमारी बहुत पहले हुई है, पब्लिक क्या क्या बताए कितनी कैसी कैसी लड़ाइयाँ हमारी हुई, रिवील कर देंगे तो अरे पता बहुत चलेगा कि क्या था, लेकिन क्या था क्या नहीं था, बहुत ही वही खूनी तो, लड़ाई, बहुत खूनी लड़ाई हुई। खूनी लड़ाई हुई है, वाइपर से भी हुई है, बहुत बहुत मारा पीटा एक दूसरे को। मैं तो वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर लेती थी और 6-6 घंटे बाहर नहीं आती थी, डर के मारे कि दीपक मुझे वाइपर उठा के मारेगा। देख बेटा तेरी सच्चाई बोल रही हूँ मैं सामने आज। चलो वो तो हमने टॉपिक पर छेड़ा ही है, तो थोड़ा बहुत बता ही देना चाहिए क्या दिक्कत है, लेकिन एज ए मतलब जब हम ग्रो अप होते हैं ना, तो एज बड़ी होती है तो धीरे धीरे सब चीजें समझ आ जाती है एज के अकॉर्डिंग, है ना। तो आप कर लीजिए और ऑडियंस को कनेक्ट अपनी। देवरतन शर्मा जी बोल रहे हैं, दीप धवन, रिट्स धवन, मैं आपका बहुत बड़ा पंखा हूं। यार ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। तो आगे चलते हैं। यार ये जो लोग ना, मतलब दूसरे मेरे लाइफ पे दूसरे लोगों के लिए भी लिख रहे हैं ना, कुत्ता है कुतिया है, तो प्लीज यार यहाँ मत लिखो यार, ठीक है? तो अच्छा नहीं लगता यार, मैं किसी के लिए भी ना नेगेटिव सुनना भी नहीं चाहती, कोई भी हो जाए। मनजीत बोल रहे हैं, यूं जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। अरे क्या बात है, कोई गम नहीं है, बस आप लोगों की दुआ है और सब अच्छा है और अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। श्रद्धा कुमार 523, आप हमारा नाम नहीं लोगी? नहीं यार, आपका नाम ले रही हूँ श्रद्धा, कैसे हो आप? दी आप प्लीज सबकी हेल्प करते हो, मेरी भी कर दो। आप मेरे को तृप्ति अंडरस्कोर मून अंडरस्कोर आप मेरे को डीएम करो यार। और कभी कभी ऐसा होता है यार, मैं कोशिश करती हूँ सबके रिप्लाई करने की, लेकिन नहीं कर पाती, सीरियसली हम लोगों के हाथ में नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ना, मतलब एक दिन में बहुत सारे मैसेज आते हैं और सबका रिप्लाई करने लगी ना, तो मतलब कर ही नहीं पाऊंगी, कोशिश भी करूंगी ना यार, तब भी नहीं कर पाऊंगी। बट जितना पॉसिबल हो पाता है मेरे लिए, जितनी पॉसिबिलिटीज होती है, मैं सबका करती हूँ, ठीक है? और थैंक यू सो मच तृप्ति अंडरस्कोर मून, आपने मेरे को एक चीज बोली, प्लीज यार आप सबकी हेल्प करते हो, मेरी भी कर दो हेल्प। तो यार मैं इसके लिए ही शुक्र गुजार हूँ कि आपने ये तो बोला कि मैं सबकी हेल्प करती हूँ। आपने मेरे को, आपने मेरी हेल्पिंग वीडियोस देखी है, आपने बहुत सारी मेरी वीडियोस देखी है, इमोशनल वीडियोस रही है बहुत सारी, और करते भी हैं हम आज के टाइम में, आज भी करते हैं हेल्प, सिर्फ वो शो ऑफ नहीं था या शो ऑफ नहीं है। हम लोग कहीं भी मार्केट में जाए ना, और हमें लगता है आसपास कोई नीडी इंसान है, लेकिन नीडी जिसको ना सच में यार पैसों की या फिर खाने की जरूरत है, तो हम लोग करते हैं यार, और करना चाहिए भी। और मैंने अपनी वीडियो से ना लोगों को बस यही सिखाने की कोशिश की है कि जो भी आसपास आपके लोग, जरूरतमंद लोग है ना, जो बुजुर्ग लोग है, जो मतलब इस एज में आ चुके हैं कि अभी नहीं कर सकते हैं काम, तो उनकी यार जरूर मदद करना, ठीक है? आगे चलते हैं। राज शर्मा बोल रहे हैं, लेकिन आपने मेरी सुनने की कोशिश नहीं की यार, आप मेरे को डीएम कर सकते हो, और कभी कभी मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ, अगर आप, मैं बहुत सारे डीएम होते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना होता है, अगर मैं नहीं कर पाती ना, तो आप मेरे को ना स्टोरी टैग कर दिया करो। तो यार मेरे को लगता है ना कि अगर कोई सीरियस सीरियस नोट चल रहा है, तो मैं उसका रिवर्ट बैक जरूर करती हूँ यार। चलो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, आप औरों को ले लीजिए। हाँ, मैं मेरे को एक एक करके लेना है सबको, तो आप भाई डिस्कनेक्ट कर दो वहां से। ठीक है, मैं वहां से कर देता हूँ। हाँ ओके। ओके बाय। आगे चलते हैं। देवरतन शर्मा जी बोल रहे हैं, प्लीज रिवेल करो, आप मेरे को ये बता दो कि आप क्या सुनना चाहते हो, वही बताऊंगी मैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो वेटिंग। हाँ जी, कल वीडियो आएगी 11 बजे सुबह यार, यश के साथ जल्दी वीडियो आएगी, क्योंकि यार वो भी अपना बिजी चल रहा है, वो आजकल, यश आजकल वाइंस के भी शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सबका बिजी चलता है ना, तो इसीलिए थोड़ा मिलना जुलना थोड़ा कम हो पा रहा है, क्योंकि हर कोई यार देखो अपनी जिंदगी में बिजी है, और अपने आप को
सक्सेस करने की कोशिश ही कर रहा है। एक आध लोग मुझे जरा मैसेज कर रहे हैं कि मैम इसकी वीडियो देखो, वो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, कि ऐसा बताया जा रहा है कि हम चूतिया काट रहे हैं लोगों का, ऐसा ऐसा कुछ करके। खैर, मैं अपनी वीडियोस में अगर ये जो मैंने अभी यूज किया वर्ड चूतिया, जो आजकल लोग नॉर्मली वीडियोस में कर रहे हैं, मैंने हर एक गाली में बीप यूज किया। आपको बीप का मतलब शायद समझ में आता होगा कि जब भी हम गाली देते हैं तो उस पे बीप लगता है, तो वो गाली आपको प्रॉपर समझ में नहीं आती कि कौन सी गाली दे, या फिर समझ भी आए तो उस पे बीप लगता है, वो गाली नहीं समझ में आती कि कौन सी गाली दी गई है। तो यार अगर आप इतने अच्छे हो तो आप भी अपनी गालियों में बीप लगाओ, ठीक है? लोगों की बेइज्जती करने से कुछ नहीं होगा। और अगर कोई इंसान किसी के लिए नेगेटिव बोल रहा है ना यार, तो वो खुद के लिए बोल रहा है, वो खुद के लिए कर रहा है, ठीक है? आगे उसके खुद ही आएगी। हम कुछ किसी के लिए, मैं यहाँ किसी के लिए कोई गलत नेगेटिव कुछ नहीं बोलना चाहती यार, सीरियसली। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, और जितने लोग मुझे अभी देख रहे हैं, 1101 लोग जितने भी हैं, मुझे इनसे भी तहे दिल से बहुत ज्यादा प्यार है, और मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है यार आप लोगों की। तो मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, और ना ही आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करके मेरे को मजबूर करें कि मेरे को पता है यार आप लोगों को गुस्सा आता है, ठीक है? आप लोगों को गुस्सा आता है, मेरे को फॉलो करते हो, आप मेरी वीडियोस देखते हो, और आपको बुरा लगता है अगर कोई मेरे लिए नेगेटिव बोल रहा है। लेकिन यार ट्रस्ट मी, अगर आपके लिए कोई नेगेटिव बोल रहा है ना, और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप देख ही नहीं रहे सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बहुत मजा आता है सच में। एक बार कोशिश करना, ट्राई करना एक बार, अच्छा लगेगा। मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, थैंक यू। गौरव चौधरी, हेलो। हर्षिता, कैसे हो आप? निकू 4635, रिट्स आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम इंडिया, दिल से बहुत सारा प्यार आप लोगों को। रिट्स, आपने स्टडी कितनी किया है? यार मैंने ग्रेजुएशन किया है यार, मैं बता रही हूँ, मैंने आपको मतलब व्लॉग भी शूट किया था, एक Q&A था जिसमें एक बंदे ने पूछा था कि मैम आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो यार मैं बहुत ही ज्यादा निल थी, और मैं पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा नालायक थी, और मुझे बहुत ही गालियां पड़ती थी। मेरा स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था यार, और बस जैसे तैसे मतलब मैंने अपना BA कंप्लीट किया, सिर्फ BA। मुझे BCom भी नहीं करना था, क्योंकि मेरी कॉमर्स कॉमर्स मेरे को समझ में नहीं आती थी, और अकाउंट्स मेरा 12th तक बहुत ही खराब रहा है, बहुत ही। तो मैंने अपना BCom को जरा साइड करके BA चूज किया, और BA कंप्लीट हो चुका है। राज शर्मा 9806, कैसे हो आप? ओके, चलो लाइव लेते हैं। अब पहले इनको ले रही हूँ, मिस्टर शर्मा 0089 हेलो हेलो हेलो, हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया और दीदी क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाओ। एकदम बढ़िया। आपकी ना बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि अब मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो। मैंने कहा पहले इनको ही वीडियो कॉल की जाए। पहचाना मेरे को? अब पहचानो तो ऐसे बोल रहे हो, मैं मेरे को रोज ही मिलते हो आप मैं वही 1 लाख वाला। चलो अच्छा, हाँ ठीक है, मेरे को आ ठीक गया समझ। है। और बताओ सब बढ़िया घर पे? बस अच्छा, बढ़िया, आप इन सुनाओ। इनके साथ गाइस क्या प्रॉब्लम हुई थी, कि मतलब इन्होंने मेरे को ना इंस्टाग्राम पे स्टोरी टैग की थी, इन्होंने बोला कि रिट्स तुम्हारे नाम पे किसी ने मुझसे कितने लिए थे,
2 लाख है, तुम्हारी 1 लाख शादी होगी। मैं बोल रही हूँ, आप मेरे नाम पे किसी फेक अकाउंट में आपसे कितने पैसे लिए थे? हाँ 2 लाख तो यार ये बेसिकली कश्मीर से है गाइस, तो इनका क्या था सीन कि जम्मू जम्मू इनको जम्मू मेरे मिलना था, तो किसी फेक अकाउंट ने, जैसे आपको पता है रिट्स धवन के नाम से बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, तो उन्होंने इनको डीएम किया और बोला कि रिट्स मैं रिट्स हूँ ठीक है, तो आप मेरे को ना 2 लाख रुपए दे दो तो मैं आपसे मिल लूंगी, ऐसा कुछ करके किसी ने बात की थी, तो मतलब इनको फंसाने के चक्कर में, और इन्होंने 2 लाख रुपए भी दे दिए थे। जब मैंने बीच में बहुत सारी स्टोरीज भी लगाई थी कि यार अगर आपके साथ कोई घपला या फ्रॉड होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगे, तो इन ये है वो महान आत्मा, इनके साथ ये सीन हुआ था ठीक है। तो अभी भी मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ, बहुत अवेयर कर रही हूँ कि अगर मेरे नाम से आपको कोई भी डीएम करता है, कोई भी मैसेज करता है कि रिट से मिलवा देंगे, मैं उसका मैनेजर हूँ, कुछ भी फलाना ढिमकाना 100 तरीके की बकवास, तो यार उनकी बातों पे भरोसा ना करे बिल्कुल भी, क्योंकि यार ये लोग मतलब सिर्फ बहुत सारे लोगों ने ऐसे ये धंधा बना लिया कि मतलब नाम को यूज करके कि पैसा कमाने का, समझ रहे हो, ये फ्रॉड करने का, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। आज पूरे हो चलो गए। ठीक है, मैं आपसे बात करती हूँ फिर एक बार, बहुत सारी वीडियो कॉलिंग्स है यहाँ पे ना, सबसे बात कर लूँ थोड़ी थोड़ी देर, ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, आप डिस्कनेक्ट कर देना वहां से। दूसरा उठाते हैं, ये कौन है, इनको लेते हैं, अनन्या जायसवाल। आप नहीं दिख रहे मुझे। हेलो मैम, हेलो, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, और आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, बस आपकी दुआएं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनकी दुआएं मेरे साथ। हाँ अब भाई आप दिख नहीं रहे हो मुझे यार, मैं बात कैसे करूंगी आपसे? मैम, आई डिडंट एक्सेप्ट। यार करो, कोई दिक्कत नहीं है, बात करो, शर्माने की जरूरत नहीं है, जल्दी सामने आ जाओ, यस मैम, जल्दी जल्दी आओ फिर। अभी तक नहीं आए आप सामने, मुझे लगता है लड़की मेकअप करने चली गई है। हाय देखो मैम, आप सामने ना आते तो मुझे पता है हाय, मैं कैसे हो बात आप? किससे कर रही हूँ। कैसे हो आप, और मैम, नया वीडियो कहाँ देख से लिया हो? आपका मैम? नया कोलकाता देख लिया, से बताओ कौन सा आया था? अच्छा मैम, वो नाइस, लाइटर वाला, कौन से वाला? लाइटर से जो आप नया कंटेंट डाले थे। अच्छा, हाँ यार देखो, समझ रहे हो बात को, मेरा दिमाग कैसा हो गया, मुझे खुद ही याद नहीं था कि सच में मैंने ये वाला वीडियो अपलोड करा है भाई साहब। उसके पहले वाला भी वीडियो देख लिया था, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से, बहुत सारा प्यार, और बस देखते रहो, एक शेयर कर दिया करो, बस एक शेयर, कोई दिक्कत नहीं है, एक शेयर ठीक है करोगे तो थोड़ा हिम्मत मिलती है, फिर सोचते हैं कि आगे नया और कुछ क्या करें। चलो मैं और बाकी सब बहुत सारे लोगों से बात करनी है ना, मैं दोबारा आपसे बात करूंगी पक्का, आपको, ठीक नेक्स्ट लाइक, है, थैंक यू, बाय बाय, मैम, गुड थैंक नाइट। यू, गुड नाइट, आप डिस्कनेक्ट कर देना वहां से। तो अभी नेक्स्ट लेते हैं, सबको लेना है आज, किसी की कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। पांडे जी कहा है यार, मैं बता देती हूँ, पांडे जी आपको, पांडे जी मैनेजर है, तो अभी उनकी चंडीगढ़ में पोस्टिंग हो गई है, तो अभी वो वहीं पे है, तो हमारा मिलना थोड़ा सा कम हो रहा है, बिजी हो गया लड़का। हम तो रात के मुसाफिर, हम तो रात को जागते हैं और फोन चलाते हैं और घूमते रहते हैं, और ये लोग सब रात में सो जाते हैं। हेलो, हाय, हाय, एक हाँ जी, हम वेट कर रहे। मिनट, फॉलो हाय, हाय, क्या करो। हो?
कैसे ये हो? आपका बहुत बढ़िया। बड़ा फैन है, ये मेरा दोस्त है, आपका बहुत बड़ा फैन है ये। एक मैं ब्लू और बताओ कैसे हो आप? बढ़िया। कहाँ से हो? हम नागपुर से, महाराष्ट्र। अच्छा, मुंबई? नहीं, नागपुर। नागपुर से? अच्छा, और सब बढ़िया घर पे? एकदम ओके हाँ एकदम रिपोर्ट। बढ़िया। इस वक्त रात में तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो ये बताओ पहले। हम लोग खेल रहे थे ऐसे क्या खेल रहे हो? ऐसे ही बैठे, हम खेल रहे नहीं थे, यानी बैठे मोबाइल चला रहे थे। मोबाइल चला रहे थे? बैट बॉल खेल रहे थे क्या? हाँ नहीं, ऐसे ही। अच्छा, आप तो मतलब ऐसे लग रहा है स्कूल स्कूल अभी स्कूल जाते हो, बच्चे हो छोटे छोटे। नहीं, स्कूल नहीं जाते, कॉलेज जाता हूँ मैं। वो लोग स्कूल जाते हैं, मैं कॉलेज जाता हूँ। अच्छा, आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हैं, तो हाँ आप क्या कर रहे हो स्टडी में? मैं अभी बीकॉम कर रहा हूँ, अच्छा, फर्स्ट बीकॉम कर ईयर। रहे हो। यार एक हाँ बात बताओ, तुम्हारा अकाउंट्स कैसा है? यार क्या बोले? हाँ तुम्हारा अकाउंट्स कैसा है? कॉमर्स स्टूडेंट हो ना? अच्छा, यार मेरा तो बिल्कुल निल था, मैं तो बहुत नालायक थी, तो गालियां देते थे सारे, कहते थे इतनी नालायक लड़की है ये। मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत चीटिंग करी है, मैं आज सरेआम ये कबूल कर रही हूँ बात, मैंने बहुत चीटिंग करी है। मुझे लड़के लड़कियां मतलब सब लोग बहुत मतलब सब लोग प्यार करते थे, मैं उसको चीटिंग करा देते थे। 10th क्लास में पूरा चीटिंग करके पास हो गए, मैं पूरा तो पूरा पढ़ता ही पेपर नहीं, चिपवा दिया मैं मुझे। तो पढ़ता ही नहीं हूँ। तो फिर आप मतलब पास कैसे हो गए? मेरे तो किस्मत आजू अच्छी बाजू थी, वाले, मेरे आगे को तो पीछे जो सबने बैठते, आगे पीछे जो बैठते। ध्यान रखना है। आजू बाजू वाले लोग है ना, दिमाग की लगा देते हैं, जब पेपर का नहीं, वक्त हमें आता है ना बनानी एग्जाम पड़ती है पहले, का। पहले बनानी पड़ती है उनसे अच्छे से। तुम जाते थे, अच्छा, उनको गालियां देते होंगे, तुमको नहीं दिखा दोगे वो। अरे क्या बात है, मुझे लगता है तुम्हें तुमने लौंडिया पटा रखे है, तुम्हें लौंडिया चैटिंग कराती नहीं, है। चलो, और सब मजे में एकदम? और बढ़िया बढ़िया एकदम। आप बता अपना ना। बीकॉम अच्छे से कर लो, जल्दी जल्दी ग्रेजुएट हो जाओ, फिर अच्छे से जॉब करना, हाँ, ठीक है, माँ बाप बाय। का हाँ नाम रोशन जरूर करना हाँ पक्का। ठीक है, हाँ चलो बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। चलो, ये लड़का बड़ा क्यूट सा था। अभी लेते हैं एमी, एमी मलिक को लेते हैं, सबको ले गया आज लाइव पे। अरमान जी इसके बाद आपसे लाइव है। ये तो आ ही नहीं रहे कैमरे के सामने, पता नहीं। अरे ये डिस्कनेक्ट हो गए पता नहीं कैसे। चलो अभी है ना मोहित, इनको लेते हैं। आंचल ऑफिशियल जल्दी, मैं आपको ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ जल्दी। इनको लेते हैं सर। हाय, देखा सब लोग सो गए हैं, मैंने आज थोड़ा लाइव आने में थोड़ी सी देरी कर दी। हाय कौन सी क्लास? हाय, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मिस, आई एम मैडम इन 10th में पढ़ता हूँ। हाँ, 10th में। कहाँ से हो आप? मैं मुंबई से, बोर्ड एग्जाम मतलब आ रहा कौन है से ट्वेंटी नाइन से। कहाँ थे? अच्छा, कहाँ से हो, कहाँ से हो? मुंबई से, कांदिवली। मुंबई से? मुंबई में कहाँ से? अच्छा, मैं जल्दी मुंबई आ रही हूँ, फिर मिलना मुझसे। मैं मुंबई महाराष्ट्र को प्रॉमिस करके आई हूँ कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी, और मैं जल्दी जाने वाली हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर। तो बोलो, 11th क्लास में क्या थे? हाँ जी, साइंस लेगा? साइंस लोगे? अरे मेडिकल स्टूडेंट, क्या बात है, पढ़ना बहुत पड़ेगा, पहले नहीं, बता रही हूँ। इंजीनियरिंग। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड, आई लाइक इट, ऐसे ही कैसे करना आप। हो आप? चलो मैं कैसे आपसे फिर नेक्स्ट,
एकदम बढ़िया, मैं एकदम मजे में, आप लोगों से बात करके बढ़िया हो गई एकदम। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं दोबारा, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर देना वहां से, बाय, गुड नाइट। डिस्कनेक्ट कर दो वहां से, डिस्कनेक्ट। चलो ये डिस्कनेक्ट हो गए हैं अभी। निखिल, निखिल जी लाइव, आई एम फैसल, जल्दी 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 लेती हूँ आपको। कशिश जायसवाल कैसे हो आप? चिंटू कान हाय। यार ये शायद नहीं हो रहा है कनेक्ट। इनको लेते हैं, आप एक मिनट, आपका नाम क्या है? उवेशी। आपको ही ढूंढ रही हूं मैं। शायद नेटवर्क इशू है। ओके, मैंने जरा रिक्वेस्ट कर दिया यहाँ से, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि वाईफाई हमारा यार बहुत ही वाई आज चलता है। और बताओ, और बताओ, और बताओ। दीपांशा, जिनको मैंने अभी किया उन्होंने कर दिया डिनाई। ऊल चैम्स, कोई आ ही नहीं रहा है। अरे गौरव कैसे हो आप? गुड नाइट प्रेम, चंद्रा, डोट, सरोज। पता नहीं यार नेटवर्क की वजह से यार मेरा कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, हमेशा ऐसे ही होता है इस गंदे से फोन में। फॉलो बैक भी कर दिया करो यार, वो फॉलो बैक करता तो नहीं मैं किसी को। एक कनेक्टेड नाइट। हेलो मैम, सामने आ जाओ। मैम हेलो, नहीं आपका नाम? एक्सपेक्ट नहीं था एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप कैमरा मतलब छुपा लोगे, आप सामने नहीं आओगे। ये। और बताइए कैसी है। एकदम बढ़िया, आप अपनी शक्ल तो दिखाइए। दिखाई दे रहा ना बिल्कुल भी नहीं, अरे क्या अंधेरा दिख रहा है, अंधेरा अंधेरा अंधेरा। उजाला लेके आइए, है तो पूरा ही उजाला। आपने लाइट ऑन नहीं किया ना इसलिए। लाइट लाइट तो ऑन है, बहुत ही अरे पर आप दिख नहीं रहे हो। क्या दिक्कत है, अजीब। मेरे को लगता है मेकअप कर रहे हो। अरे सच में लाइट ऑन है। यार लाइट होना तो आपका फिर मतलब कैमरा शायद ऑफ है, इसको कैमरे को ऑन करिए। कैमरा भी ऑन है, ये देखिए लाइट भी जल रही है। चलो कोई बात नहीं, ये बता दो आपका हाल चाल, बता दो आप। बढ़िया हो ना एकदम हाँ बढ़िया। एकदम। कहाँ से हो? कानपुर कानपुर से? ठीक है, मैं कानपुर आके बात करती हूँ आपसे, आप दिख तो रहे नहीं हो। क्या इशू है। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, शायद आपका कैमरा चल नहीं रहा है, पर नेक्स्ट टाइम ठीक है। अब वहां से ना ओके डिस्कनेक्ट कर दो, फिर मैं इतने सबसे बात कर लेती हूँ। ओके। चलो बाय, गुड नाइट।
उनके कैमरे में थोड़ी सी दिक्कत समस्या आ रही थी। कशिश चावला। राज बोल रहे हैं मेरे को कॉल करो अभी के अभी। ये भी लेफ्ट हो गए। हाय, हेलो, हाउज यू? ऑल गुड। आप बताओ बढ़िया एकदम। कहाँ से हो आप? कैसे? भीलवाड़ा, राजस्थान। अच्छा राजस्थान से। राजस्थान में बहुत गर्मी होती है क्या? गर्मी यार इन द सेंस ये होती है कि यार देखो, एक और बात बता दूं, यहाँ वाले ना, एक तो दिल्ली वालों ने एक वो बना रखी है कि हम लोग पानी के लिए तरसते हैं। ऐसा कुछ नहीं हाँ होता। बिल्कुल। यहाँ गर्मी सर्दी, जैसे बीकानेर है और ये जो बॉर्डर इलाका होता है, तो वहाँ हाँ पे सर्दी और गर्मी ये दिन के अकॉर्डिंग होती है। दिन में गर्मी होगी और रात को सर्दी होगी। और मैं जो अच्छा बेसिकली जहाँ से हूँ, वहाँ पे वेदर नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रहता है। मतलब बिल्कुल राजस्थान में नॉर्मल बहुत रहता है। सारी जगह ऐसी होती होगी जहाँ पे वेदर नॉर्मल होता है, जहाँ पे ज्यादा गर्मी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पे इतना नहीं होता। जैसे अभी मार्च का सीजन है दिल्ली, मैं खुद पानीपत से हूँ, अच्छा तो मेरी पानीपत से फैमिली, हो आप? बेसिकली फ्रॉम पानीपत। हाँ, मेरी फैमिली यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे है, बिजनेस यहाँ पे है, पर मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, मैं ब्लड वहीं का हूँ, तो मुझे अच्छा पता है कि प्रॉपर वहां वहां से की ठंड पानीपत कैसी होती है। मुझे पता है वहां की ठंड कैसी होती है। से। हाँ यार ठंड तो, हरियाणा की ठंड तो अलग ही बात है। हरियाणा की ठंड की ना पर भीलवाड़ा के अंदर अभी ये हो गया कि इतनी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, सीरियसली बहुत गर्मी है। वेदर ने एकदम से अभी चेंज मारा के है, एकदम से चेंज मारा है। तुम बताओ। तो मतलब जब सर्दी होती है तो आप लोग मतलब ठंड वाले कपड़े पहनते होगे? इतनी ठंड होती है कि आप मतलब विंटर यार क्लोथ्स मैं यूज इंडिया में करते रहता हूँ, मैं इंडिया में हैं? थोड़ा रहता हूँ और दुबई नहीं रहता अच्छा कि दुबई की यार वो ठंड आपको पता है, तो नहीं है हमारे यहाँ पे ठंड लोगों की होती है। ना। और अच्छा ऐसा लोगों कुछ की यार नहीं होता, मेंटेलिटी ठंड में राजस्थान ठंड में के बहुत कपड़े ही गर्मी है। पहने जाते हैं, ठंड में ठंड के कपड़े ही पहने जाते अच्छा हैं। ठीक है ठीक है। ओके ओके ऐसा कुछ नहीं है, ब्रो। हाँ ठंड में ठंड के कपड़े पहने जाते हैं, गर्मी में गर्मी के कपड़े पहने बिल्कुल जाते बिल्कुल, हैं। वही वही वेदर वही रहता है। दिल्ली से कितना किलोमीटर है यार? 500 किलोमीटर दूर है, अच्छा क्योंकि ज्यादा मैं नहीं कभी आ है। नहीं था, जल्दी चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उदयपुर घूमने लायक है, हाँ मैंने नाम सुना है कि अच्छा है, जल्दी बहुत आएंगे। अच्छा। नहीं बहुत अच्छा है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, चलो गुड गुड नाइट, टेक केयर, या बाय। अच्छा नाइस लगा टू आपसे सी बात यू, करके। सेम बाय बाय। हियर, बाय। अच्छा यार लोकेश है कोई? यार ये बोल रहे हैं इनको लेना है, इनको ले लेते हैं लास्ट। फिर अब कल दोबारा लाइव आएंगे क्योंकि नीनी भी आ रही है यार, आपको पता भी है 12 बजने वाली है, और फिर सोना भी है, फिर सुबह उठना है, काम भी करना है। अब बहुत टेंशन होती है लाइफ में, लेकिन मुसीबत में हमेशा मुस्कुराओ, बहुत ही मजा आता है। ओके आपको पता है मेरी आवाज रिपीट हो रही है वहां पे, अंदर लाइव चल रहा है मेरा भी। एरिक ने अपने फोन से मुझे, एरिक अपने फोन से मुझे देख रहा है और हंस रहा है। यार आपके बहुत मैसेज आ रहे हैं लोकेश, लेकिन सीरियसली मैंने आपको 3 बार कनेक्ट करने की कोशिश कर ली है, इनवाइटेड है लेकिन आपको इनवाइट कर दिया, लेकिन आप पिक नहीं कर रहे हो या फिर डिक्लाइन कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो पता नहीं।
सो गाइस चलते यार, थोड़ा आराम करते हैं। आज बहुत पूरा दिन बहुत ज्यादा काम किया है, आज वीडियोस भी किया है, और समझ रहे ना थकावट हो जाती है बहुत ज्यादा। बाकी जल्दी मिलते हैं आप लोगों से, सबसे बात करेंगे लाइव अगेन। जितने आज के लिए हिम्मत थी, मैंने सबको लाइव लिया, सबसे बात की। आप देख रहे हो मेरी आवाज की थोड़ी खराब चल रही है, बाकी कल कल दोबारा लाइव आएंगे, ठीक है। और फेसबुक पेज पे मैं जल्दी लाइव आऊंगी, तो बने रहो, जुड़े रहो। और सुबह 11 बजे वीडियो भी आएगी, तो देखना, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलना। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, ऐसे सपोर्ट करना। और यार अगर आप किसी के लिए अच्छा बोल रहे हो, तो वो भी आपके कर्मों में ही काउंट होगा। और अगर आप किसी के लिए बुरा बोल रहे हो, तो वो भी आपके कर्मों में ही काउंट होगा, ठीक है। अगर बुरा बोल रहे हो तो बुरा मिलेगा, ठीक है। तो किसी के लिए भी नेगेटिव मत बोलो, कभी भी मत बोलो। मैं अपने लिए बात नहीं कर रही, मैं किसी मतलब दुनिया में चाहे कोई भी इंसान हो, किसी के लिए भी नेगेटिव शब्द मत यूज करो यार, कभी मत करो, ठीक है। और बाकी हर किसी की रिस्पेक्ट करना सीखो। तुम्हें नहीं पता जो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, जितना मतलब स्ट्रगल कर रहे हो जिंदगी में, सामने वाला फील कर सकता है नहीं कर सकता। बोलना बहुत ही आसान होता है, और आपकी ना सोच से भी परे है। आपको नहीं पता कि इन्हीं वीडियोस से अपनी पूरा दिन, अब इतनी मेहनत करने के बाद हर चीज होती है, उसके बाद आपको नहीं पता क्या पता उन पैसों से घर चल रहा हो उसका, ठीक है। तो मत बोला करो यार, ठीक है, किसी के लिए मत बोलना, कभी भी मत बोलना। इज्जत करना हर किसी की, अपने से छोटे लोगों की भी इज्जत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, आसपास आपको पॉजिटिव लोग मिले, हंसमुख चेहरे, समझ रहे हो, हंसते हुए। बाकी लव यू ऑल, गुड नाइट। जल्दी मैं आपसे बात करूंगी, इमाद आपसे मैं जल्दी कल बात करूंगी, मैं कल आऊंगी। आज तो मेरे को थोड़ा डिले हो गया, 8 बजे का टाइम था, बट आज मैं 11 बजे आई, लेकिन कल मैं जल्दी आऊंगी पक्का, ठीक है। वो टाइमिंग मैं आपको अपडेट दे दूंगी स्टोरी पे। बाकी लव यू ऑल, गुड नाइट ऑल।